हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो भी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं नीट के लिए, वो आज से स्टार्ट की जा रही हैं और एक ऑफिशियल सर्कुलर भी आया है एनटीए के वेबसाइट पे। तो मैं चाहूँगी कि आप बहुत ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत करो फॉर्म भरने में, क्योंकि आपको इनफ टाइम मिला है। तो इट इज़ बेटर कि आप कोई करेक्शन, आपकी कोई मिस्टेक ना हो। दो हमें एक करेक्शन विंडो भी मिलेगी जहाँ पर अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको ठीक कर पाएँ, बट हमें कोई ऐसा मौका देना ही नहीं है। ध्यान से आराम से बैठ के आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म भरो। साथ में नीट के पैटर्न में भी कुछ चेंजेस हैं इस साल जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो ऑफिशियली एनटीए की वेबसाइट पे उनके सर्कुलर्स में प्रेजेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे सारे इस वीडियो में, सारे जितने भी FAQs हैं, जितने भी चीज़ें हैं फॉर्म से रिलेटेड, वो सब मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आराम से देखो, आराम से बैठ के अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिना किसी गलती के भर देना। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको सारी आज बताने वाली हूँ, जो भी सर्कुलर में आया है और जो भी एनटीए के FAQs हैं वो बताऊंगी। साथ में नीट के पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस भी आए हैं, तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो वीडियो ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न में भी चेंजेस आए हैं। बहुत ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म में। दो हमारे पास एक करेक्शन विंडो रहेगी, पर हमें कोशिश करनी है कि गलती क्यों करें हम, कोई करेक्शन के लिए क्यों ऐसे, मतलब कोई गुंजाइश क्यों छोड़ें हम। तो हम बिल्कुल सही से, तसल्ली से, आराम से बैठ के फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो सर्कुलर में इन्होंने दिया गया है वो ये है कि आपको पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कोई ऑफलाइन, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है ऑफलाइन भरने का। और इसके अंदर ये दिया गया है कि 13 लैंग्वेजेस में होगा। जैसे आपको पता है अब सारी लैंग्वेजेस में होने लग गया, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बंगाली, गुजराती वगैरह, सारी लैंग्वेजेस में ये किया जाएगा। उसके साथ ये है कि दो फेजेस में ये जो फॉर्म फिलिंग है वो दो फेजेस में होने वाली है। जैसे कि अब क्योंकि ये है कि इस बार इतना टाइम नहीं दिया गया है फॉर्म फिलिंग के लिए और इतना ज़्यादा टाइम नहीं है प्रोसेस करने के लिए, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो फॉर्म है पूरा उसको दो सेट में फिल करा जाएगा। यानी कि जो पहला सेट है वो आपका अभी फिलिंग होगी, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स सारी आपको इसी में भरनी है बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। पे यही दिया है, द सेकेंड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये दो सेट में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर्म फिलिंग। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 13 जुलाई से 6 अगस्त तक है। तो प्लीज़ आप आज अगर नहीं भी हो पाता है, अगर आज सर्वर भी डाउन रहता है, तो आप कल परसों में अपना फिल कर देना आराम से सारी डिटेल्स भर के। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि आप फी जो है वो फी आप एक दिन एक्स्ट्रा तक भर सकते हो, 7 अगस्त तक आप फीस भर सकते हो, बट हमें ऐसे करने की मतलब कोई जरूरत नहीं आई थिंक। तो आप साथ में अपना कर लेना, भर देना फीस। लास्ट डेट प्लीज मत छोड़ना, क्योंकि हम इसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। पता चला हमने पूरे साल 2 साल मेहनत करी है और यहां हमने छोटी सी गलती कर दी। उसके बाद यहां पे करेक्शन के लिए भी विंडो खुलेगी, जैसे मैंने आपको बताया 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में, लेकिन हमें कोशिश करनी है करेक्शन की कोई गुंजाइश हम छोड़े ही ना। फिर यहां दिया है कि आपके अनाउंसमेंट कब होगा कि आपको कौन सा सेंटर मिला एग्जामिनेशन का, तो वो 20 अगस्त को आपको पता चलेगा। फिर एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले आएगा, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले, और एग्जाम आपका 12 सितंबर को होगा। 180 मिनट का आपका होगा एग्जाम, और साथ में 2 से 5 के बीच होगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगी कि 2 से 5 के बीच में आपको अगले 2-2.5 महीने आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 5 के बीच हमेशा एक्टिव रहना है, चाहे आप पूरी रात पढ़ो, लेकिन 2 से 5 के बीच में कोई बच्चा नहीं सोएगा। ट्राई करना जो भी मॉक टेस्ट आप दो, 2 से 5 के बीच में ही आप दो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ नीट UG 2021, वो सब आपको पता चलेगा एडमिट कार्ड में ही, ठीक है। सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में पता चलेंगी, OMR शीट, आंसर की वगैरह सब कुछ वेबसाइट पे आएगी, और रिजल्ट भी इसका neet.nta.nic.in पे आएगा। और अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, प्लीज़ किसी और वेबसाइट पे मत जाना, गूगल मत करना, यही वेबसाइट डालो। ये प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो NTA की तरफ से, NTA की वेबसाइट पे अपलोड हुई है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जो पैटर्न में चेंज हुआ है नीट के, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है जिन बच्चों को नहीं पता। तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली दिया गया है कि जो पैटर्न होगा नीट का, उसके अंदर 2 सेक्शंस होने वाले हैं। 2 सेक्शंस होंगे हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होंगे, तो हमें पता था पहले 45 क्वेश्चंस आया करते थे। अब क्या होगा, सेक्शन ए में, जैसे फिजिक्स में मान लो, फिजिक्स में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। उन 15 क्वेश्चंस में से आपको चॉइस मिलेगी, आप कोई भी 10 कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए कि आप कोई भी 10 क्वेश्चंस खुद से चूज कर सकते हो, आप 5 क्वेश्चन कोई भी छोड़ सकते हो। 15 में से आपको सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट करने होंगे, जबकि ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए में आप सोचो कि सेक्शन ए में छोड़ देते हैं, बी में 15 कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ए में आपको 35 के 35 करने ही हैं, बी में आप 15 में से कोई भी 10 कर सकते हो।
ठीक है. और ये ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो रिडक्शन हुआ है थोड़ा बहुत सिलेबस में, उसकी वजह से इन्होंने ये चॉइस यहाँ पे देनी शुरू करी है. तो यही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि NTA हैज़ कंक्लूडेड द डिसीजन टू गिव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट क्वेश्चंस बिकॉज बहुत सारा सिलेबस जो है वो बोर्ड्स में रिड्यूस किया गया था. तो इसलिए ताकि बोर्ड्स वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, तो इन 15 क्वेश्चन में से 10 आप कर पाओ, ताकि 5 अगर आपके आउट ऑफ सिलेबस भी आपको लग रहे हैं तो आप छोड़ सको. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया कि फिजिक्स में 35 क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे, आपको कोई भी 10 करने हैं. सिमिलरली केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी. अब देखो यहाँ पे पहले हमेशा बायो का होता था, बायो का एक सेक्शन होता था, बट इस बार इन्होंने बॉटनी जूलॉजी में डिवाइड कर दिया. इसका मतलब है कि यूजुअली ये देखा जाता था कि कभी बॉटनी के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते थे, ज़्यादातर बॉटनी के ज़्यादा क्वेश्चन आया करते थे एज़ कम्पेयर टू जूलॉजी. लेकिन अब बॉटनी और जूलॉजी के भी काफ़ी इक्वल क्वेश्चन आएंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो ये भी एक छोटा सा चेंज है. तो हालांकि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अब हमें बहुत वाइजली जो 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे इसमें हमें बहुत वाइजली 10 क्वेश्चन चूज़ करने हैं जो हमारे बिल्कुल सही ही सही हों. ऐसा ना हो कि हमें मतलब हम ऐसे क्वेश्चन चूज़ कर लें जो हम गलत करें. तो हमें 15 में से 10 अपने जो बिल्कुल ठीक हो वो सही करने हैं क्वेश्चन. मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि ये 15 क्वेश्चन में हो सकता है कि वो क्वेश्चन आए उसकी. उसके बाद बात करते हैं फीस की. तो फीस के लिए आपके जनरल कैटेगरी के लिए 1500 होगी फीस, जनरल EWS OBC NCERT के लिए 1400 है, और बाकी जो कैटेगरीज हैं इनके लिए 800 रुपीज़ फीस. अगर आप आउटसाइड इंडिया से अपेयर कर रहे हो तो 7500 आपकी फीस होगी. उसके साथ यहाँ पे बात की गई है कि जो करेक्शन की फैसिलिटी होगी वो जो भी करेक्शन होंगी वो आपको ऑनलाइन ही भरनी होगी, ऑनलाइन ही करेक्शन करनी होगी. कोई ऑफलाइन हार्ड कॉपी, ईमेल, पोस्ट आपको सेंड नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन ही आपकी करेक्शन होगी. ठीक है, और उसके बाद जो करेक्शन की फैसिलिटी मिलेगी वो उन बच्चों को मिलेगी जिन्होंने अपनी फीस भी भरी हुई है और जिन्होंने अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को भरा हुआ है, उन्हीं को करेक्शन की फैसिलिटी मिलेगी. ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्म ही नहीं भरा और अब आप करेक्शन में जाके कह रहे हो मुझे अब ठीक करना है, मुझे फॉर्म भरने दो. प्लीज़ आपके पास इनफ टाइम है, आप फॉर्म टाइम से भरो. लास्ट डेट की वेट मत करना कि लास्ट डेट पर हम 6 को ही भरेंगे या 5 को ही भरेंगे. हो सकता है कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो प्लीज़ आप ये रिस्क मत लेना. उसके बाद यहाँ पे दिया है कि एक प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ हो जाती है कि आपने पे कर दिया है, आपके बैंक अकाउंट से कट गए पैसे, पर आपका वहाँ पे कंफर्मेशन पेज नहीं आया. मेरे साथ भी पर्सनली यही हुआ था. तो मेरी एक बार मैंने मेरे पापा के अकाउंट से पैसे कट गए थे बट फिर भी फॉर्म की कंफर्मेशन नहीं आई थी, तो फिर हमने दोबारा पे कर दिया था. क्योंकि आई डोंट थिंक इस टाइम पे आपको ये रिस्क लेना चाहिए, पैसे कट गए हैं आपके तो आपका मतलब कंफर्मेशन पे नहीं आया तो अब दोबारा आप नहीं पे कर रहे हो ये सोच के. प्लीज़ ये रिस्क मत लेना, आप दोबारा कर देना, दोबारा पे कर देना, प्लीज़ रिस्क मत लेना. जो भी पैसे होते हैं वो थोड़े टाइम बाद अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं तो आप NTA की हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने पैसे वापस ले लेना. पर अगर एक बार में कन्फर्मेशन पेज ना आए तो दोबारा आप पे कर देना. प्लीज़ ये मत सोचना कि मेरे पैसे चले जाएंगे, ये रिस्क लेने वाला टाइम नहीं है कि आप रिस्क लो इस चीज़ का. उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं, क्या आपको अपलोड करनी है चीज़ें. तो आपको अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी, साइज़ यहाँ पे दिया गया है. पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको एक अपलोड करनी है अपनी. सिग्नेचर आपको चाहिए अपने पिक्चर, उसकी क्लिक करके आपको स्कैन करके प्रॉपरली भेजने हैं. लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको भेजना है. प्लीज़ ध्यान से ये लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप करना, लेफ्ट हाथ का ही करना प्लीज़. ठीक है, और क्योंकि ये आपका वहाँ पे चेक भी किया जाता है, मतलब आप जब जाओगे सेंटर पे तो वापस आपका थंब इंप्रेशन लेके वो वापस मैच भी करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से करना. यहाँ पे दिया है इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ द लेफ्ट हैंड थंब बीइंग अनअवेलेबल, राइट हैंड थंब इंप्रेशन मे बी यूज्ड, बट दिस इज इन केसेस अगर कुछ एक्सेप्शनल केस है तो ही, पर आप लेफ्ट हैंड थंब का ही करना इंप्रेशन. उसके बाद क्लास 10th पास सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट आपको देना है. कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको करना है अपलोड. PWD सर्टिफिकेट भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है. एम्बेसी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है. तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी. कोई भी कैंडिडेट ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकता है, सब कुछ ऑनलाइन भरा जाएगा. उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी मैं आपको बता चुकी हूँ. जो आपकी पैसे सबमिट करने का है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ. 13 जुलाई से और 6 अगस्त के बीच में आप लोग फॉर्म भर सकते हो. तो आई होप आपके मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे. नीट का पैटर्न भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया. MCQ क्वेश्चंस होंगे ये आपको पता ही होगा, और 4 नंबर सबके लिए आपको मिलेंगे, -1 आपको नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, अगर आप गलत करते हो तो. कोई और पैटर्न में चेंज नहीं आया, सिर्फ एक सेक्शन ए सेक्शन बी बना दिए गए हैं. ये वाला एक चेंज है, ये इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए, तो ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल आपको बता दिए. बाकी ये सारे FAQs हो गए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी. इसी के साथ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी अपडेट होगा मेरे चैनल पर मिल जाएगा. मेरे टेलीग्राम चैनल इशिता फॉर यू ज़रूर ज्वाइन कर लेना. और साथ में मैं एक बायोलॉजी का फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं सारे के सारे चैप्टर्स आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में
इतने अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपके कवर करवाऊंगी, और वो फ्लो चार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो पूरा बायोलॉजी का क्रैश कोर्स होने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि बहुत अच्छा बायो में स्कोर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ भी आकर पढ़ सकते हो। 10 बजे उसकी क्लासेस शुरू होंगी वेडनेसडे से, यानी कि 14 जुलाई से। तो आई होप टू सी यू ऑल देयर, एंड आई होप आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइज, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।